हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बहादुर कहानी पार्ट 3। दिन मजे में बीतने लगे। बरसात आ गई थी, पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन और शान बान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा। मैं किसी से सीधे मुंह बात न करता, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे के बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता था। कई बार पड़ोसियों को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है। घर के सवांग की तरह रहता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? ये तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। निस्संदेह बहादुर की वजह से सबको बहुत आराम मिल रहा था। घर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफेद। निर्मला की तबीयत भी काफी सुधर गई थी। अब कोई एक खर भी न टकसाता था। किसी को मामूली काम करना होता तो वह बहादुर को आवाज देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिरी है उठाना, इसी तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते थे और सवेरे 8 बजे के पहले न उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शान शौकत और रौब दाब से रहने का कायल था और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे इसके जूते में पॉलिश लगनी चाहिए, कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी, रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए, और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। जब ऐसा होता, किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता चुपचाप। देख बे, किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर, करता ही क्या है तू, बैठा बैठा खाता है। रोज ही कोई न कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने यह सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो यह चलता ही रहता है, फिर एक हाथ से ताली कहाँ बजती है। बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी हाँ हाँ कहती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांटकर अलग किया। कारण यह था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी तो उसने उसका काम करने से इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते, मैंने उससे कड़ाई से पूछा। बाबूजी, भैया ने मेरे मरे बाप को क्यों लाकर खड़ा किया, वह रोते हुए बोला। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दी गालियां देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा था जो उसे बर्दाश्त ना हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृह स्वामी होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। मैंने उसे समझाया, बहादुर ये आदतें ठीक नहीं, तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज है, जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो, घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई क्या रखेगा। जाकर दूसरे घरों में देखो तो पता लगे, नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते रहते हैं। चलो सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। वह चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा।
जल्दी ही वह प्रसन्न भी हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर तक गाता रहा। बस आज की कहानी यहीं तक। कहानी अच्छी लगी हो तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग।